आज हम लोग आए हैं सुप्रीम नॉलेज फाउंडेशन कॉलेज है जो हावड़ा से मेन लाइन में है और हावड़ा से लगभग 24 किलोमीटर के आसपास है और मानकुंडू स्टेशन से आप पैदल आएंगे तो 5 मिनट लगता है। और ये जो आप लैब देख रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस का लैब है और अभी क्लास 12 का रिजल्ट आने वाला है और बहुत सारे बच्चे जो JEE का एग्ज़ाम देते हैं किसी न किसी वजह से अगर कुछ कम रैंक आ जाता है, मतलब बहुत पीछे रैंक आ जाता है, फिर भी उनको इंजीनियरिंग करने की इच्छा होती है या जिनका अच्छा रैंक आया है उनके लिए भी ये कॉलेज बेस्ट है। देखिए, आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहला है कि वो कैंपस कैसा है और वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है दूसरा, और तीसरा कैंपसिंग होता कि नहीं। तो ये कॉलेज विजिट करने के बाद देखा गया कि ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है और बहुत सारे बच्चे से हमने बात किया और पता चला कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और फीस भी रिजनेबल है। और अगर किसी वजह से किसी बच्चे का कहीं भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हेल्प किया जाता है और यहाँ से सक्सेसफुली बहुत सारे बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है और अच्छी जगहों पे गए हैं। और ये देखिए कंप्यूटर साइंस का लैब है, अभी आपको बाहर भी ले जाएंगे और दिखाएंगे। तो कॉलेज का नाम याद रखिएगा, सुप्रीम नॉलेज फाउंडेशन। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में क्लासेस होती है और इसके अलावा आपका पॉलीटेक्निक के जो भी कोर्सेज होते हैं और MTech और अदर भी प्रोफेशनल डिग्री के जो कोर्सेज होते हैं वो भी होती है, लेकिन मैं ज़्यादा जोर इसलिए BTech पे दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम अभी हो गया है और रिजल्ट आउट होने वाला क्लास 12 का। तो प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कॉलेज जाके विजिट करें, कैंपस विजिट करें और बच्चों से भी जानने की कोशिश करें और आपको लगेगा कि नहीं, ये कॉलेज में आके एडमिशन आप करा सकते हैं और बेहतर कॉलेज है। थैंक यू।